नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। भारत बंद का ग्वालियर में दिखा मिला जुला असर। जीएसटी के कड़े प्रावधानों के विरोध में ग्वालियर में दोपहर 2 बजे तक व्यापारिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। स्वेच्छा से लोगों ने अपने प्रतिष्ठान रखे बंद, मिला समर्थन। कैट प्रदेश अध्यक्ष भूपेन जैन ने इंडिया खबर लाइव से की बात। प्रस्तुत है ग्वालियर से गजेंद्र जैन की एक रिपोर्ट। जी हां, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के आह्वान पर देश प्रदेश में आज भारत व्यापार बंद की अपील की गई थी। जीएसटी के जटिल प्रावधानों के विरोध में व जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से भारत व्यापार बंद किया गया था। ग्वालियर में भी दोपहर 2 बजे तक व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का समर्थन व्यापारियों द्वारा दिया गया। हालांकि बंद करवाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। ग्वालियर में व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से बंद को समर्थन दिया। जीएसटी के जटिल प्रावधानों को लेकर कैट ने 26 फरवरी को भारत व्यापार बंद का आह्वान किया है और हमें प्रसन्नता है कि इस बंद में व्यापार समर्थन कर रहा है, व्यापारी संगठन समर्थन कर रहे हैं। लोग बहुत तकलीफ में हैं, लोगों को बहुत परेशानी है, इसलिए आज संपूर्ण मध्य प्रदेश बंद है, ग्वालियर बंद है। ग्वालियर की अनेक संस्थाओं ने इसको समर्थन दिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि जीएसटी के जो प्रावधान है उसमें सरलीकरण किया जाए।